ऑल द स्टूडेंट्स, हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में अगर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम हो और उन कंडक्टिंग प्लेट्स के क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करें तो उन प्लेट्स की एक कैपेसिटी होती है कि वो चार्जेस को अपने क्रॉस स्टोर कर सकता है। हालांकि चार्जेस एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब तक कि अप्लाइड वोल्टेज डायलेक्ट्रिक मीडियम के डायलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ब्रेकडाउन वैल्यू से ज्यादा नहीं हो, तब तक चार्ज इधर से इधर फ्लो नहीं कर सकता है, चार्ज वहां पे स्टोर रहे और काफी तेजी से वो चार्ज होगा। और अगर फिर हम उस कैपेसिटर को किसी लोड से लगाएं तो काफी तेजी से कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज भी कर लेगा उस लोड के थ्रू। ठीक है, फिर हमने चार्ज कितना स्टोर कर सकता है इसका फॉर्मूला भी निकाला, Q इक्वल टू CV। और हमने ये भी निकाला कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, Q इक्वल टू CV से निकलेगा। लेकिन उसको मेजर करने का भी एक यूनिट है या एक सिंबल है, तरीका है, जिसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा सेम वोल्टेज अप्लाई होने पर वो उतना ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है। और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, इसमें आप सारा कुछ समझा चुके हैं आपको कि डी के घटने से कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और ये सारे कुछ आप समझ चुके हैं। एरिया और एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी क्या होती है, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा एक और चीज हमने जाना कि अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तब तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर से कुछ करंट पास करेगा उसको चार्ज करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा बस, और अगर डीसी वोल्टेज है तो जैसे ही चार्ज हो जाएगा उसके बाद कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि स्टेडी स्टेट में, अगर डीसी सप्लाई है तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कि उसके क्रॉस सिर्फ वोल्टेज है, कोई करंट नहीं है। और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज था उस समय से लेकर के जब तक चार्ज हुआ उसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। उस दौरान कैपेसिटर करंट लेता रहता है और चार्ज होते रहता है। लेकिन अगर सप्लाई वोल्टेज टाइम के साथ चेंज करे, वी टी हो, तो उसके केस में करंट निकालने का हमने तरीका पढ़ा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, है ना, इस तरह से चेंज करेगा। और वहां से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, I इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। सबसे पहला तो ये कि अगर आपका सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है ना, डीवी बाई डीटी अगर जीरो है तो करंट कितना फ्लो करेगा, जीरो एम्पीयर। मतलब कैपेसिटर के क्रॉस अगर कंटिन्यूसली कांस्टेंट वोल्टेज है तो उससे कोई भी करंट पास नहीं करेगा, एक चीज पता चली। दूसरी इससे ये पता चल रही है कि अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को तुरंत बदलना चाह रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को या पोलरिटी को तुरंत अगर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनफाइनाइट करंट चाहिए, क्योंकि डीवी की वैल्यू आप चेंज करना चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में, तो इनफाइनाइट करंट, उसके लिए इनफाइनाइट करंट चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हालांकि थ्योरेटिकली इंपल्स करंट कहते हैं इस चीज को कि इंपल्स करंट दे सकते हैं, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए कैपेसिटर से सडन चेंज इन, मतलब एकाएक चेंज इन वोल्टेज नहीं हो सकता है, ना तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ना तो वोल्टेज की पोलैरिटी, एकाएक चेंज नहीं हो सकती है, धीरे धीरे चेंज हो सकते हैं। ओके, ये हमने दो चीज जाना। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी हम लोग किए। अब आइए कैपेसिटर को और अच्छे से समझने के लिए ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है हमको, करवाते हैं हमारे बार। देखिए इसमें क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज की वैल्यू E है वो लगा हुआ है, यहाँ पर एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच क्या होता है, मतलब इसको हम वन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको टू पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको अभी मन किया वन पे कनेक्ट किए और अभी मन किया तो टू पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये रेजिस्टर है, कोई लोड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस सी का,
यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ है जो कि करंट को मेजर करेगा, कितना करंट आ रहा है कितना करंट जा रहा है, और कैपेसिटर के इंटरनल्स के बीच में हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो कि पता करेगा कि कितना वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस। अब जब स्विच आपका ओपन है, स्विच इज ओपन मतलब ना वन से कनेक्टेड है ना टू से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट वन और टू के बीच का आप कह सकते हैं, या वन और इस पॉइंट के बीच का, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, तो वन और टू के बीच का वोल्टेज कितना होगा जब स्विच ओपन है तब। हम आपको बता चुके हैं कि ओपन का मतलब करंट का जीरो होना होता है, ओपन का मतलब वोल्टेज का जीरो होना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां पे क्या है, वन और टू के बीच में देखिए टू जो है वो इससे कनेक्टेड है और ये इस बैटरी के जीरो पोटेंशियल वाले पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, और वन जो है वो यहां से कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज इन दोनों यहां पर है ई, वही वोल्टेज होगा वन और टू के बीच में ई। लेकिन क्या कोई करंट पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्किट ओपन है, कोई चार्ज का प्रयोग नहीं होगा। और ये वोल्टेज वोल्टमीटर कितना हो जाएगा? जीरो। एक ग्राफ भी बनाना है ना, ग्राफ बनाना है दो पोजीशन पर, एक बार जब स्विच वन पर है, दूसरी बार जब स्विच टू पर है, और करंट का ग्राफ बनाना है, करंट कैसे कैसे चेंज कर रहा है, कैसे पता चलेगा? एमीटर से पता चलेगा। और वोल्टेज का भी बताना है, वोल्टेज कैसे कैसे चेंज कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? कैपेसिटर के क्रॉस पैरेलल में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उससे पता चलेगा। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको वन कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज था, उसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था, जैसे ही आप स्विच को यहां पे लगाएंगे, यहां से चार्जेस, ऐसे नेगेटिव चार्जेस यहां से क्या इधर जाएगा? नहीं, इधर तो ओपन है, इधर तो जाएगा ही, किधर जाएगा? प्लेट पे जाएगा, और यहां पे नेगेटिव चार्जेस जमा होते जाएंगे। सिमिलरली यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करके यहां पर आएंगे, तो यहां पर कौन से चार्ज होते जाएंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में। हमको ग्राफ बनाना है, एकदम स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर के क्रॉस जीरो चार्ज था, कुछ भी नहीं था, तो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह था, मतलब एकदम करंट आराम से। देखिए, हम आपको बता चुके हैं इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ओपन को देख करके आप ये मत समझिए कि सर्किट ओपन है। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं इनके बीच में तो कुछ नहीं होता है, फिर भी जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक करंट फ्लो करता है। कैसे? यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आता है, तो इनके बीच में कोई करंट नहीं है, लेकिन इस वायर में करंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जबकि कोई चार्ज नहीं था, तो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह होता है ना, मतलब जब कोई चार्ज नहीं था और आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, तो उस समय इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट को पूरा पूरा नहीं देगा। तो उस समय इस सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा? इस एमीटर वोल्टमीटर को भूल जाएगी, ये सब कुछ नहीं है, बस मेजर करता है इसका अपना रेजिस्टेंस वगैरह नहीं समझिए। तो उस समय इस सर्किट से यानी एमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा? ई अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ई अपॉन आर। आप ये मत सोचिए कि ये वोल्टमीटर पैरेलल में है इससे करंट जाएगा, ये सब मत सोचिए, वोल्टमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा पैरेलल, ठीक है। जो करंट ई से निकलेगा वो आर से होते हुए ए से होते हुए इधर आ जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ना, तो कोई करंट नहीं जाएगा इधर से। तो स्टार्टिंग में जिस समय कैपेसिटर जस्ट चार्ज होना शुरू हुआ, आपने स्विच क्लोज किया जस्ट उस समय, एमीटर जो करंट दिखाएगा वो दिखाएगा ई अपॉन आर, ठीक है, ई अपॉन आर। फिर धीरे धीरे जब कैपेसिटर चार्ज होने लगा तो यहां का वोल्टेज बढ़ने लगा। एक सिंपल सी बात है, आप समझिए कि मान लीजिए कि यहां पर एक बैटरी हम लगाए हुए हैं 10 वोल्ट का, ठीक है ना, और ये रेजिस्टर है, और यहां पर एक बैटरी लगाए हुए हैं 1 वोल्ट का, और इससे करंट निकालना है हमको। आप केवीएल लगाएंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी 10-1 9 बाय आर करंट की वैल्यू। और अगर ये वोल्टेज बढ़ रहा है, सपोज ये हो जाए 2 वोल्ट, तब कितना हो जाएगा? 10-2 होगा। केवीएल लगा करके आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको केवीएल का तरीका, तो 10-2 बाय आर 8 बाय आर। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होगा यहाँ पे। सिमिलरली कैपेसिटर के क्रॉस जैसे जैसे वोल्टेज
बढ़ेगा वैसे वैसे करंट घटेगा, और इस करंट को घटने का जो तरीका है लिनियरली घट रहा है कि एक्सपोनेंशियली घट रहा है कि साइनोसॉइडली घट रहा है, ये हम लोग प्रूव करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में कि ये एक्सपोनेंशियली घटता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ठीक है, तो ये जब तक ये फुल चार्ज ना हो जाए तब तक ये करंट लेता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट हो जाए तो कितना करंट फ्लो करेगा, 10 माइनस 10 मतलब 0 है कि नहीं। तो जब ये भी ई वोल्टेज का हो जाएगा उस समय इस एमीटर से करंट कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये करंट इस तरह से एक्सपोनेंशियली घट करके 0 ई बाय आर से शुरू हुआ और एक बैक घट के 0 एक्सपोनेंशियली घट के 0 हो गया। अब जिस समय ये 0 हुआ उस समय ये बढ़ करके e हुआ है, तो उसको भी बनाएंगे ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ करके e हुआ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, e वोल्ट। ठीक, अब इसी स्थिति में आपका सर्किट रहेगा जब तक स्विच 1 पर है, तब तक इसका वोल्टेज e, इधर से कोई करंट नहीं और यहां पर वोल्टमीटर भी दिखा है, समझ में आने पर। तो इस दौरान कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज हुआ है कि डिस्चार्ज हुआ है? अगर आप समझ रहे होंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इस समय में कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ है। कैपेसिटर चार्ज हुआ है और कैपेसिटर में करंट किधर से किधर आया है, इधर से करंट इधर आया है। और किसी भी चीज में अगर पॉजिटिव पार्ट में करंट इन करता है तो इसका मतलब उस चीज ने एनर्जी को, पावर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो कैपेसिटर ने इस दौरान में एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, एब्जॉर्ब किया, वो हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा एनर्जी ही है। अब आइए, अब हम लोग इस स्विच को यहां से हटाते हैं और इस स्विच को टू पे लगाते हैं। ठीक है, यहां से हटा के टू पे लगाते हैं। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि ये वोल्टेज सोर्स आउट हो गया, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स किधर से भी करंट नहीं दे सकता है, है ना। बैटरी का या कोई भी सोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितना करंट उससे निकलता है उतना ही करंट उसको मिलना चाहिए, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इधर से जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूम फिर के, तो भाई इधर से जा रहा है तो इधर से आना भी चाहिए, है ना। इधर से अगर जा रहे इधर से उतना ही आना चाहिए, लेकिन इधर से जाएगा इधर से आने का तो कोई रास्ता नहीं है, बीच में तो पुल टूटा हुआ है कि नहीं, सर्किट इज ओपन। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई रोल नहीं, खत्म हो गया। लेकिन ये कैपेसिटर आपका चार्ज्ड है, इसके पास चार्जेज हैं और एक लोड है जिसके क्रॉस अपने चार्ज को ये क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये क्या करेगा कैपेसिटर, अब डिस्चार्ज होगा, है ना। पहले करंट ले रहा था अब करंट देगा, है ना। तो जैसे ही आप स्विच को टू पर लगाएंगे उसी समय एक करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा, इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा ऐसे, इधर से होते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इसको भूल जाए, इसमें कोई करंट नहीं, ठीक है, बस वोल्टेज बताता है। तो कितना करंट होगा, E by R, स्टार्टिंग में जस्ट जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो करंट कितना होगा, E by R। एक और बात समझिए, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे था, इसमें आ रहा था, तो हमने इसको ऊपर बनाया है ना, ठीक है। अब करंट इधर से ऐसे डायरेक्शन होगा तो क्या इसको ऊपर ही बनाए, नहीं, नीचे बनाना होगा, क्योंकि डायरेक्शन करंट का पलट गया, पहले करंट आ रहा था अब ये करंट दे रहा है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू होगी E by R ही स्टार्टिंग में, लेकिन नीचे बनाएंगे तो हम इसको यहां बनाएंगे, एक बैक यहां पे बढ़ के करंट हो गया E by R, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे इसकी वोल्टेज की वैल्यू घटती जाएगी, डिस्चार्ज होगा ना, ये देखिए क्या होगा, यहाँ एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ऐसे मूव करके इधर आएंगे और इस प्लेट के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। बीच के मीडियम से तो कोई ट्रांसफर मिलने वाला नहीं, वो तो बैटरी में मिलता है, तो बहुत ही जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैंने आपको कैपेसिटर के पहले क्लास में बताया कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग की इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर का जो मीडियम है उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, हालांकि बैटरी में करता है। तो यानी कि करंट E by R होगा, लेकिन फिर धीरे 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 होकर के जीरो हो जाएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा।
ये भी कैसे होगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आप इसको माइनस ई बाई एम लिख सकते हैं। सिमिलरली जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिए, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा जीरो। तो जिस टाइम पर करेंट जीरो उस टाइम पर वोल्टेज भी जीरो, ठीक है। और ये जो टाइम है, इस टाइम में कैपेसिटर क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से करंट जा रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया, जो स्टोर की एनर्जी उसको डिलीवर कर दिया, है ना। तो देखिए रेजिस्टर जो भी एनर्जी लेता है उसको वातावरण में हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। इंडक्टर जो भी एनर्जी लेता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने के रूप में खर्च करता है, और जितना एनर्जी लेता है उसको फिर डिलीवर भी कर देता है, हमने देखा है ना। तो इंडक्टर उसको उड़ाता नहीं है, उसको लेता है और फिर खर्च करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बनाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को घटा करके उसको किसी लोड को दे देता है। जब तक उसको लोड नहीं मिलेगा तब तक वो रखे रहेगा, है ना। सिमिलरली कैपेसिटर, कैपेसिटर भी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर कहां एब्जॉर्ब करके देखेंगे अभी, और फिर उसको जब लोड मिलेगा तो डिलीवर करेगा। जब तक लोड नहीं मिलेगा तब तक ये इन चार्जेस को स्टोर करके रखेगा, ओके। तो ये बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है जिससे आप कैपेसिटर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को और कैसे क्या होता है वो सब समझा आपने। अब आइए कैपेसिटर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे हुए हैं, एक एनर्जी और एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उन सबको देख करके इस कैपेसिटर को इंट करते हैं। तो देखिए अगर ये कैपेसिटर है जिसके क्रॉस एक टाइम वेरिंग वोल्टेज है, और तो इसके क्रॉस अगर ये वोल्टेज है तो जब ये चार्ज होगा इसके क्रॉस की वोल्टेज क्या होगा Vt, और इससे करंट कितना है It। तो हम लोग जानते हैं कि It इक्वल टू C इनटू dv बाई dt। तो कैपेसिटर के क्रॉस एक वोल्टेज भी है Vt और कैपेसिटर के क्रॉस एक करंट भी है It, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस कुछ पावर है। देयरफॉर पावर Across capacitor equal to Vt into It, power equal to voltage into current होता है। तो ये क्या हो जाएगा Vt into C into dVt by dt, ठीक है, power का ये formula हो जाएगा watt। अब किसी भी time पे power निकालना है तो जो expression है उसमें t के जगह वो time put कीजिए आ जाएगा। अब अगर पावर है तो पावर तो है जूल पर सेकेंड, लेकिन अगर आपको निकालना है कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच में कितना पावर, सॉरी कितना एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, ना पावर तो है जूल पर सेकेंड, लेकिन आपको निकालना है कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में टोटल कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब किया कैपेसिटर। तो एनर्जी के लिए क्या होगा, पावर इंटू टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इंडक्टर वाली बात कहेंगे आपको कि अगर ये अगर यहाँ पर डीसी वोल्टेज रहता, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो फिर हम लोग क्या करते वोल्टेज कांस्टेंट है, जितना देर में ये चार्ज हुआ उतने देर तक एक करंट जा रहा होगा, है ना। मतलब जैसे पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, जो इस पे वोल्टेज आया जो करंट क्या मल्टीप्लाई करके निकल जाए डायरेक्ट। लेकिन जब यहां पर आपको एसी सप्लाई है ना? जब एसी सप्लाई है तो वो जो वोल्टेज है वो भी हर समय चेंज हो रहा है, और करंट एसी सप्लाई या कोई भी ऐसा सप्लाई जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज भी हर समय चेंज हो रहा है, करंट भी हर समय चेंज हो रहा है। तो वहां पे अगर आपको निकालना है कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो आपको हर एक टाइम पर हर एक टाइम के पावर को ऐड करना पड़ेगा, है ना, हर एक टाइम टाइम के पावर को ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना, जैसे हम लोगों ने इंडक्टर में किया, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर इन टाइम इंटरवल टी नॉट टू टी वन इज गिवन बाय, ठीक है, T0 से T1 के बीच में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया या डिलीवर किया जो भी किया वो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं WC T1 माइनस WC T0, ठीक
इक्वल टू इंटीग्रेशन t नॉट से t1 पावर इनटू dt, ठीक है। तो t नॉट से t1 पावर कितना है ना, dt इनटू c dv बाय dt, dt इनटू c dv बाय dt इनटू dt, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज है vdv, vdv तो क्या हो जाएगा, c बाहर निकल जाएगा, c इनटू vt स्क्वायर बाय 2, vdv, vdv का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है इसका t नॉट से t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा c बाय 2 इनटू vt1 का स्क्वायर माइनस vt नॉट का स्क्वायर, ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, wc t1 माइनस wc t0 इक्वल टू c बाय 2 vt1 स्क्वायर माइनस vt0 स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब इसी में लोग क्या करते हैं, एक इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस कहने का मतलब कि इफ इफ vt0 इक्वल टू 0, अगर t0 पे वोल्टेज अगर 0 था है ना, तो vt0 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर wc t1 माइनस wc t0 इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, है ना। तो जनरली आप लोग सुनते होंगे फार्मूला हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर, लोग कहते हैं कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर या डिलीवर का क्या फार्मूला होता है, लोग कहते हैं हाफ cv स्क्वायर, ठीक है, सही है, लेकिन वो स्पेशल केस है। एक्चुअली पूरा फार्मूला ये है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि कैपेसिटेंस इतना है, वोल्टेज इतना है, तो निकालिए एनर्जी, तब तो आप निकाल देंगे हाफ cv स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि वोल्टेज भी रहता है, कैपेसिटेंस भी होता है, लेकिन उस समय एनर्जी जीरो होती है, तो वैसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना होगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे अभी, कि एक्चुअली में फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है ना। इसका स्पेशल केस है, अगर वोल्टेज जीरो है तो फिर डायरेक्टली ये लग सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर। इसका एक और भी फॉर्मूला है, देख लीजिए, हाफ सीवी स्क्वायर जो है, इसको लिख सकते हैं सी वी टी वन इंटू वी टी वन, लिख सकते हैं ना, हाफ सी वी इंटू वी टी वन, और सी वी क्या होता है, क्यू, क्यू इक्वल टू सी वी, है ना। तो इसका एक और भी फॉर्मूला बनता है हाफ क्यू टी वन इंटू वी टी वन, या सिंपल हाफ क्यू भी लोग लिखते हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम पर हाफ क्यू भी लिखते हैं, समझ आई बात। तो देखिए, यानी एनर्जी स्टोर्ड और डिलीवर्ड बाय कैपेसिटर का बेसिकली अगर देखें तो दो फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू हाफ क्यू भी जूल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको लगता है कि 50-60 बार तो ऐसे ही पूछ दिया होगा, सिंपल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, ठीक है, आइए दो न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात देखिए, ध्यान दीजिए, होता क्या, जब हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के क्रॉस, तो चार्जेस का ट्रांसफर होना शुरू होता है, है ना, यहां नेगेटिव चार्जेस बनने लगते हैं, यहां पॉजिटिव चार्जेस बनने लगते हैं, और जैसे ही ये चार्जेस बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि चार्जेस क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट के चार्जेस और ये नेगेटिव प्लेट के चार्जेस, इन दोनों के बीच में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। होता क्या है, जैसे जैसे चार्जेस बनते जाते हैं या जमा होते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाता है, तो कैपेसिटर जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको क्या कर रहा है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर क्या रहा है, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहे तो कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को कहां स्टोर करता है, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में,
बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या बात है, वही है, कैपेसिटर उस एनर्जी को लेके करता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, ये चार्जेस यहाँ से खत्म होने लगते हैं ना, इधर से लोड के थ्रू यहाँ पर न्यूट्रलाइज होने लगते हैं, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने लगता है, ठीक है। तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की चार्ज बनाने में, वही एनर्जी फिर से क्या हुई, डिलीवर कर दिया लोड के क्रॉस, जो एनर्जी एब्जॉर्ब के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में, वही एनर्जी फिर डिलीवर कर दिया आपको लोड के क्रॉस, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। गुड, आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन है, पहला तो बहुत आसान है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड व्हेन इट इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 100 माइक्रोफैराड, और उसको चार्ज किया गया, चार्ज करके उसके क्रॉस 20 वोल्टेज लाया गया, तो इस दौरान है ना, जब उसकी चार्जिंग 0 वोल्ट से चार्ज होते होते 20 वोल्ट हुआ, इस दौरान उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, सिंपल है ना, हाफ सीवी स्क्वायर या हाफ क्यूवी से आप निकाल सकते। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए द फिगर गिवन बिलो शोज द वोल्टेज टाइम कर्व ऑफ ए सोर्स टू चार्ज ए कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड। ये जो नीचे का फिगर है, ये फिगर आपको ये बता रहा है कि एक कैपेसिटर के क्रॉस इस तरह का सोर्स, इस तरह का वोल्टेज अप्लाइड है ना, 0 से 10, ये टाइम सेकंड में है कि मिली सेकंड में, सेकंड में ही मान लीजिए, 0 से 10 सेकंड में वोल्टेज बढ़कर के 0 से 40 वोल्ट हुआ, 10 से 30 सेकंड में वोल्टेज कांस्टेंट रहा 40 वोल्ट पे, और 30 से 40 सेकंड में फिर वो घट करके 0 वोल्ट हुआ। तो इस तीनों सेक्शंस में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हम इसको लिख दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन में कई बार सेक्शन का जिक्र है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। तो इस तरह का सोर्स का नेचर है एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड को चार्ज करने में। आपको अलग अलग सेक्शंस में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा कैपेसिटर से वो बताना है, और ये भी बताना है कि अलग अलग सेक्शन में कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की या डिलीवर की, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बनाइए, अभी कॉपी पेन उठाइए और इसको बनाइए, जो भी आपका बनता है वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए सिंपल है, कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 20 वोल्ट, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर जूल, तो हाफ कैपेसिटेंस कितना है 120 × −6, वोल्टेज कितना है 20 × 20, तो 2 से ये कट गया, 200 × मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 जूल, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम पहले सेक्शन की बात करें, फॉर सेक्शन 1, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब कुछ करंट होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, I इक्वल टू C dv/dt से निकलेगा, dv/dt क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन टाइम। तो यहां से 0 से 10 के बीच में देखें तो चेंज इन वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज एट 10 सेकंड माइनस वोल्टेज एट 0 सेकंड, तो भाई क्या है, C into वोल्टेज एट 10 माइनस वोल्टेज एट 0 बाय 10 माइनस 0, तो C के बदले हो गया 100 माइक्रो into वोल्टेज एट 10 40 माइनस वोल्टेज एट 0 0 0 बाय 10, तो ये हो जाएगा 400 माइक्रो एम्पीयर, मतलब 0 से लेकर के 10 एम्पेयर तक 400 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। और एनर्जी की बात करें, मतलब कि 0 से 10 सेकेंड तक ये करंट इस तरह से इसमें फ्लो हो रहा होगा, चार्जेस बन रहे होंगे, और ये कैपेसिटर इनको लेकर के इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो 10 सेकंड में WC 10 माइनस WC 0, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा WC T1 माइनस WC T0,
तो wc 10 माइनस wc 0 इक्वल टू हाफ c इनटू क्या होता है vt1 स्क्वायर माइनस vt0 स्क्वायर। तो v10 10 पे जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर माइनस 0 पर जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर, तो हाफ c 40 इनटू 40 का होल स्क्वायर करेंगे 0.08 जूल। मतलब इतने टाइम में इसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया 0.08 जूल, और वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पे। देखिए सेक्शन 2 में यानी 10 से 30 सेकंड के बीच में करंट कितना होगा, वोल्टेज में तो कोई चेंज ही नहीं है। 10 से 30 सेकंड में कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट ग्राफ से दिख रहा है, तो वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं है भाई। तो वोल्टेज में चेंज नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और एनर्जी, अब बात आती है, देखिए वोल्टेज तो है इसके पास 40। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इन सेक्शन 2 हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैपेसिटर, आपको याद है फार्मूला वो हाफ cv स्क्वायर। cv है 10 से 30 सेकंड में, वोल्टेज भी है कितना 40 वोल्ट, करोगे क्या हाफ इनटू c इनटू v स्क्वायर कर दोगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा वो लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पीरियड में वोल्टेज तो है कैपेसिटर के क्रॉस लेकिन वो कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि पावर के लिए करंट होना चाहिए, करंट तो उस पीरियड में है ही नहीं। dv / dt तो जीरो है, फॉर्मूला से भी लगाएंगे तो c / 2 v30 स्क्वायर - v10 स्क्वायर, ये भी 40 है ये भी 40 है, जीरो हो जाएगा टोटल। तो इस पीरियड में कोई भी नया एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया, जो पुराना था 0.08 जूल वही रखे हुए है इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके, और ना तो इस पीरियड में कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 1 में करंट जो है वो 400 माइक्रो एम्पीयर रहेगा, मतलब 0 से 10 सेकंड तक में करंट कांस्टेंटली कितना रहेगा, 400 माइक्रो एम्पीयर। हो सकता है आप लोग को डाउट ये हो रहा हो कि सर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज होता है तो उसका वोल्टेज बढ़ता जाता है, करेक्ट, और जैसे जैसे चार्ज होता है वैसे वैसे करंट कम लेता जाता है, अभी देखे थे ना। लेकिन वो था डीसी वोल्टेज सोर्स के केस में, जबकि सप्लाई वोल्टेज कॉन्स्टेंट था और कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा था तो करंट घट रहा था, लेकिन यहां पर तो सप्लाई वोल्टेज भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है लिनियरली, और कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है, सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों ही बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मेंटेन है, इसीलिए करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही है, करेक्ट, ओके। सो और इस पीरियड में करंट जीरो रहेगा क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है वही कैपेसिटर का वोल्टेज अब कांस्टेंट बना हुआ है, तो कोई करंट नहीं। ठीक है, नो एनर्जी एब्जॉर्ब नो डिलीवर्ड। और लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 3 में है ना, फॉर सेक्शन 3 इसको मिटा देंगे, फॉर सेक्शन 3 देखिए आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी इक्वल टू सी इंटू वी 40 माइनस वी 30 बाई 40 माइनस 30। ठीक है, तो सी कितना है मेरे भाई, 100 माइक्रोफेरेड, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 40 पे वोल्टेज कितना है जीरो, और 30 पे कितना था 40, तो 0 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 40 बाई 10 यानी माइनस 4। तो जो यहां पे करंट था 400 एम्पीयर वो यहां पे हो जाएगा माइनस 400 एम्पीयर। माइनस 400 एम्पीयर मतलब आप क्या समझ रहे हैं, करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि पहले जो करंट का डायरेक्शन था ऐसे अब डायरेक्शन चेंज होगा, अब डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए जो इंडक्टर का होता है ना सेम टू सेम रिवर्स चलता है किसका, कैपेसिटर का, है ना। देखिए इंडक्टर क्या करता था कि जैसे ही इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन वोल्टेज, है ना, कैपेसिटर ओपोजेस सडन चेंज इन करंट, इंडक्टर क्या करता था कि जैसे ही उससे वोल्टेज डिक्रीजिंग होता था बस वो एनर्जी डिलीवर करने लगता था, है ना, और वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर देता था जैसे ही करंट उससे डिक्रीजिंग होता था। कैपेसिटर में जैसे ही वोल्टेज इससे डिक्रीजिंग होगा बस ये क्या करेगा,
कि अपने थ्रू जो करंट जा रहा है उसको अपोज कर देगा, करंट के डायरेक्शन को अपोज कर देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अपोजेस सडन चेंज इन वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है घट रहा है ना, तो ये इस तरह से करंट को करेगा ताकि उसको मेंटेन रखे, या जो पहले था डायरेक्शन उससे अपोजिट हो जाए। पहले एनर्जी निकाल ले थोड़ा, तो डब्ल्यू सी 40 माइनस डब्ल्यू सी 30 इक्वल टू सी बाई टू बी 40 का स्क्वायर माइनस बी 30 का स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो 100 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू, ये तो जीरो है और ये कितना है माइनस 1600, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.08 जूल। मतलब कि इस समय एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और इस समय एनर्जी को क्या किया, डिलीवर किया। जितने एनर्जी एब्जॉर्ब की उतने एनर्जी को क्या कर दिया, डिलीवर भी कर दिया। और देखिए इस थर्ड केस का आपका फिगर कैसा बनेगा, इस टाइप वाला में कैपेसिटर चार्ज था। देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं चेंज हुई है, आपने देखा क्वेश्चन में कैसा था, ऐसा ऐसा ऐसा, तीनों ही केस में ऊपर ही है, मतलब ये प्लस ये माइनस, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड रिवर्स हो गया, चार्जेस अभी भी यहां पे ऐसे ही हैं, प्लस प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही वोल्टेज, जैसे ही इससे जो वोल्टेज था वो जैसे ही डिक्रीजिंग हुआ, जैसे ही डिक्रीजिंग घटने लगा, बस इसने क्या किया, जो करंट पहले इधर से इधर जा रहा था उसको इसने चेंज कर दिया, ऐसे अब ये एनर्जी को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, किसको, सोर्स को, मेरी बात। और जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर चलता रहेगा कहां है। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसको रख सकता है अपने पास, और जब वोल्टेज वापस जब वोल्टेज उससे इंक्रीज करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी को कांस्टेंट रखेगा, और जब जब वोल्टेज डिक्रीजिंग होगा तो उस समय अपने थ्रू करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और एनर्जी को डिलीवर करेगा सोर्स को, समझ में आ रही बात। तो ये है इसका। अच्छा अब इसके बाद अगला इसी क्वेश्चन का पार्ट था ना कि करंट का वेव फॉर्म बनाइए, तो करंट आप क्या देख रहे हैं, 0 से 10 सेकंड में 400 मिली एम्पियर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज भी बढ़ रहा है और कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो हम ये कर रहे हैं 0 से 10 में ये हो गया 400 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, उसके बाद 10 से 30 में कांस्टेंट रहा और फिर 30 के बाद माइनस 400 एम्पियर, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, माइनस 400 माइक्रो। समझ आगे बात, ये समझ में आना ही चाहिए, इसको देखिए एक दो बार, समझिए इसको, ठीक है। अब आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए अगर हमने तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था आर 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 अगर है तो टोटल इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता था, जुड़ जाता था, अगर आर 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 होता तो 3R हो जाता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह से इंडक्टेंस में भी L1 L2 L3 सीरीज में हो जाता था तो ऐड होता था। कैपेसिटर में देखते हैं, देखिए होगा क्या, जैसे ही आप इस वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जाएगा क्यू, ठीक है, और क्यू चार्ज माइनस क्यू कर सकते हैं नेगेटिव, और उतना ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से मूव करके यहां आएगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू। अब क्या होगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बीच के जो डायलेक्ट्रिक हैं उन पर तो कोई वो तो बस पोलराइज होकर रह जाएंगे, लेकिन इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता है, रिपेल करता है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं
क्योंकि देखिए डायरेक्टली इन पर इससे नहीं पहुंच सकता है चार्ज, इससे डायरेक्टली किस पर पहुंचेगा, इस पर पहुंचेगा, है ना। फिर इस पे कैसे होगा, तो वो इसके माध्यम से, फील्ड के माध्यम से, है ना। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए ये पॉजिटिव वाला जो है चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसके कारण इस प्लेट के बगल वाला जो प्लेट है, इस प्लेट के जो चार्जेस होंगे वो इधर ट्रांसफर होंगे, है ना। पॉजिटिव चार्जेस किधर ट्रांसफर होंगे, राइट साइड की तरफ। ठीक है, इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज किधर ट्रांसफर होंगे, राइट साइड। तो यहां पर क्या बच जाएगा, निगेटिव चार्जेस, कि नहीं। तो यहां पर कौन से चार्ज हो जाएंगे भाई, निगेटिव, माइनस क्यू। अब यहां से जो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ गए वो इस प्लेट पर जमा हो जाएंगे, प्लस क्यू। सिमिलरली फिर वही कहानी, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जिसके कारण यहाँ के चार्ज इधर मूव कर जाएंगे, माइनस 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 क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू। अब ये भी अपना बना करके इधर करेगा, लेकिन ठीक ही है, वही चीज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ जमा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो हरेक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, सॉरी, हरेक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज सेम, इसके भी क्रॉस क्यू 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 क्यू, हरेक कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज सेम है। जिस तरह से अगर रेजिस्टर्स आपस में कनेक्ट होते हैं सीरीज में, तो हरेक की सीरीज में क्या सेम रहता है, करेंट, है ना। और करेंट और चार्ज एक तरह से सिमिलर है, क्योंकि डीक्यू बाई डीटी करेंट होता है, कि नहीं। तो ऐसे याद रखिएगा कि जैसे सीरीज में करेंट सेम होता है रजिस्टर के लिए, वैसे अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में तो उनके अक्रॉस जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट, सब पे सेम होंगे, क्यों 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 क्यों। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर है, इसके क्रॉस चार्ज कितना है, क्यू, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी वन। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, है ना। तो क्यू तो सब में सेम है, इसमें भी क्यू है, इक्वल टू सी वन वी वन। तो वी वन क्या हो जाएगा, Q by C1, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, B1। सिमिलरली इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, B2। सिमिलरली इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, B3। सही है। अब अगर आप इसमें KVL लगाएंगे, इस पूरे में अप्लाइंग KVL, और इसका नोट हम आपको भेजेंगे, उसमें आप ये देखिए, B1 equal to Q by C1, B2 equal to Q by C2, B3 equal to Q by C3। तो अप्लाइंग KVL, KVL लगाओ, यहां से चलो, यहां से चले तो सबसे पहले प्लस V1 आएगा, उसके बाद इसका काम हो गया, उसके बाद क्या आएगा, प्लस V2, फिर प्लस V3, माइनस V इक्वल टू जीरो, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V टोटल सप्लाई वोल्टेज है ना, तो V टोटल सप्लाई वोल्टेज है, तो इसको लिख सकते हैं Q by C इक्विवेलेंट, Q, क्योंकि V equal to Q by C, तो total voltage equal to charge तो यही है Q, ठीक है ना, Q by C equivalent, total capacitance जो हमको निकालना है, कि series में अगर capacitors connected हैं, तो उनका equivalent capacitance कितना होता है, ये बिल्कुल register और इसके जैसा है। अब देखिए, तो V1 क्या है, Q by C1, plus V2 क्या है, Q by C2, plus V3 क्या है, Q by C3, ठीक है। So therefore, 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. समझ आई बात? उल्टा, उल्टा चलता है ना? कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टर अगर सीरीज में था तो R1 plus R2 plus R3 हो जाता, पैरेलल में होता है तो ये होता है 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, कैपेसिटर में उल्टा है। अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। अच्छा, समझ में आ गई, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल में अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड, देख लीजिए, देखिए अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, सपोज यहां पर हम एक वोल्टेज सोर्स लें और उसके बाद तीन कैपेसिटर को
पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज है वी, तो पैरेलल में वोल्टेज है सेम होता है, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा वी, यहाँ का भी वी, यहाँ का भी, ठीक है। इनका कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है, C1, C2, C3। अब क्या होगा, यहां से जो चार्ज यहां आएगा, यहां से कहां से निगेटिव प्लेट से जो चार्ज यहां आएगा वो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ जाएगा इधर माइनस 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 माइनस, कुछ जाएगा इधर माइनस 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 माइनस, कुछ इधर माइनस माइनस। जरूरी नहीं है कि तीनों में क्या जाए, सेम जाए, वो उनके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है किस पे कितना जाएगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होगी, उस पे ज्यादा जाएगा। सीरीज तो है नहीं कि सेम ऐसे चला जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर इस पे माइनस माइनस यहाँ गया तो सिमिलरली इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके किधर जाएंगे, तो यहाँ का चार्ज अगर प्लस Q1 माने, यहाँ का अगर प्लस Q2 माने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2, और यहाँ पर अगर प्लस Q3 माने माइनस Q3, ठीक है। और टोटल जो चार्ज यहां से गया वही तो तीनों में बटा है कि नहीं, तो मान लीजिए अगर टोटल जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, टोटल चार्ज Q इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल जो चार्ज गया, मान लीजिए 100 कूलम्ब गया पैरेलल में, उसमें से 20 ये ले लिया, 30 ये ले लिया, 50 ये ले लिया, तो 100 इक्वल टू तीनों का सम। अब Q इक्विवेलेंट क्या ले सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू B, Q इक्वल टू CB, और Q1 क्या हो जाएगा C1 इनटू B, प्लस Q2 क्या हो जाएगा C2 इनटू B, C3 इनटू B, तो B कैंसिल हो जाएगा, बोलो तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि कैपेसिटर के केस में अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, अगर कैपेसिटर सीरीज में हैं तो उनका कैपेसिटेंस कैसे होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इस पे दो तीन न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क देते हैं। देखिए ये तीन क्वेश्चंस हैं, पहला सर्किट है, इसमें आपको ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। जैसे ये और ये आपस में क्या होगा सोच सकते हैं आप, और उस हिसाब से दोनों के बीच का निकालना है, ठीक है। ये सबसे बनना चाहिए, आई वांट एवरीवन सेंस इन द ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस टू कैपेसिटर इन सीरीज हैविंग कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड एंड 25 माइक्रोफैरड। दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड, दूसरे का है 25 माइक्रोफैरड, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे बनाए थे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, प्रत्येक के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। मेरी बात सोच के बनाइएगा, प्रत्येक के क्रॉस वोल्टेज V1 V2 पूछ रहा है, V1 इक्वल टू Q/C1। वैसे आइए थर्ड क्वेश्चन, एक 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू एक्युमुलेट 100 माइक्रोकूलम। एक 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसको पहले चार्ज किया और चार्ज करके उसके क्रॉस 100 माइक्रोकूलम चार्ज को स्टोर कर दिया। अब वन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इन पैरेलल। अब उसके साथ पैरेलल में एक दूसरा कैप, एक ये चार्ज्ड है 50 माइक्रोफैरड चार्ज्ड है, कितना कूलम है उसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम। अब उसके साथ पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर लगा है जो कि अनचार्ज्ड है और उसका कैपेसिटेंस कितना है 200 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब आपको तो जो चार्ज्ड है उससे कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा उस पर, दूसरे वाले कैपेसिटेंस पर कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। सोचिएगा, बन सकता है, अब तो पहले वाले बैचेस ने बनाया है, आपसे ही बनना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस बना के रखिए, अगले क्लास में इनका सॉल्यूशंस होगा और इनके आंसर्स हमको ग्रुप पे चाहिए, है ना, उसके बाद आपको वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। गलत हो दैट इज अनदर मैटर, बट कीव आंसर्स, एक्टिव होइए, बनिए, और अगले क्लास में मिलते हैं। तो कैपेसिटर हो गया, अब डीसी वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे और उसके बाद मेश एनालिसिस, केवीएल और नोडल, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।